कैसे गिरा? बच गया सुसर का नाती। नहीं लगा? नहीं, चलो। ये घड़ा किस कमीने ने गिराया है? ये मजदूर तो आपके पीछे पड़े हुए हैं। चलो जाके देखते हैं। हाल उस मिस्त्री का सर फोड़ा कि नहीं? नहीं यार, मुझे लगा था आज इस मिस्त्री की खोपड़ियां तोड़ दूंगा। इस मिस्त्री से जान छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है। अब इस मिस्त्री के कहर से भी बच्चों को आ रहा है। ओह नो! पानी का घड़ा किसने गिराया था? मुझे क्या पता, मैं तो यहाँ मिसाला बना रहा हूँ। मैं तो आपके सामने ईंटें उठा रहा हूँ। ना उस्ताद, ना मैं ऐसा घटिया काम कैसे कर सकता हूँ। मैं अगर मारता तो सीधा सर में मारता। देख लूंगा तुम सबको, देख लूंगा मैं। जल्दी जल्दी काम करो। तुम मिसाला लेके आओ, तुम पानी लेके आओ, तुम मिट्टी लेके आओ। उम्र सारी अपनी भी क्या जिंदगी है यार। 500 रुपया दिहाड़ मिलती है और 500 बातें सुनाता है ये मिस्त्री। सारा मेहनत वाला काम हम करते हैं और 2000 की दिहाड़ी ये मिस्त्री ले जाता है। मैं तो कहता हूँ आज मिस्त्री से बात करो कि हमारी दिहाड़ बढ़ाए। मेरे पास एक और प्लान है। क्यों? पहले चल के इस मिस्त्री से बात करते हैं, हमारी दिहाड़ बढ़ा दे। अगर नहीं बढ़ाएगा तो फिर तुम्हें एक और प्लान बताता हूँ। चलो ठीक है। मिस्त्री साहब, ये निकम्मे लड़के आपसे तंग आए हुए हैं, इनके बस में नहीं है मजदूरी करना। तू ज्यादा लेक्चर ना दे, जाके अपना काम कर। काम मर गए थे तुम। ये ईटी और मिसाला लाने में इतनी देर लगा दी? वहां सात समंदर पार से लाना पड़ता है। अगर इतना जल्दी होती है तो व्हाट्सएप पे मंगा लो मिसाला और ईंटें। मेरा व्हाट्सएप पैकेज नहीं है। मिस्त्री साहब, इतनी महंगाई हो गई, हमारी दिहाड़ तो बढ़ा दें। और 500 में गुजारा नहीं होता। तुम्हें 500 कम लगता तो छोड़ दो ये काम, मैं और मजदूर ले आऊंगा। वैसे भी हमारे मुल्क में बहुत बेरोजगारी है। तुम्हें हमारी दिहाड़ बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ 500 की खातिर हम सारा दिन गधे की तरह काम करते हैं और आप सिर्फ यूं यूं करने का 2000 ले जाते हो। अच्छा तो ये बात है, जब दीवार टेढ़ी हो जाती है तो मालिक से गालियां कौन सुनता है? मिस्त्री। तो फिर इसका मतलब है दिहाड़ी आपकी भी 500 बनती है, 1500 आप गालियां खाने का लेते हो। अच्छा अच्छा काम करो, नहीं तो तुम्हें छुट्टी दे दूंगा मैं। ओह नो! ये मिस्त्री तो हमारी दिहाड़ बढ़ाने वाला नहीं है। अब तू बता, तेरे पास क्या प्लान है? मेरे पास एक प्लान है। बता बता। आजकल गन्ने की कटाई का सीजन चल रहा है। इस सीजन में कुछ मजदूर गन्ने की कटाई में हिस्सा लेते हैं, वहाँ भी अच्छे पैसे मिलते हैं। फिर इस गन्ने को ट्रैक्टर ट्रालियों पे लोड करके शुगर मिल की तरफ ले जाया जाता है। शुगर मिल के अंदर इस गन्ने से चीनी बनाई जाती है और वहाँ जो मजदूर काम करते हैं उनको अच्छी खासी तनख्वाह दी जाती है। लेकिन यार, वो शुगर मिल वाले हमें काम पे रख तो लेंगे ना? अबे यार, उनको मजदूरों की बहुत जरूरत है, उनका सीजन चल रहा है। एक तो काम आसान है, ऊपर से दिहाड़ी भी डबल है, जिंदगी बन जाएगी। चलो चल के पता करते हैं फिर। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उस शुगर मिल के मैनेजर का मेरे पास नंबर आए, उसको फोन करता हूँ। वाओ! जा रही है। हेलो सर, हम 3 मजदूर हैं, आपकी शुगर मिल में काम करना चाहते हैं। जी ठीक है सर, ओके। क्या कहते हैं? थोड़ी देर में बताएगा। काम चोरो, तुम यहाँ पे बैठे हो, ईटी और सीमेंट तुम्हारा बाप ला के देगा। अबे चल बे, निकल गया यहाँ से। अब हम तेरे मजदूर नहीं रहे, हमारी शुगर मिल में जॉब लगने वाली है। थोड़ी देर में जॉब के ऑर्डर भी हो जाएंगे। याद रखो, तुम पछताओगे। अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ईटे और मिसाला लेके मेरे पीछे आ जाओ। अबे जा बे। वही है। जी सर। ठीक है सर। चलो जी, तैयार हो जा जॉब के लिए। लेट हो रही है। अरे यार, ये क्या कर रहा है तू? ईंटें दे रहा हूँ मिस्त्री को। और उस शुगर मिल के मैनेजर ने क्या कहा? उसने कहा हमारे पास मजदूर पूरे हैं, अगले साल देखेंगे। हा? वैसे ये मिस्त्री भी कोई माड़ा बंदा नहीं है, इसके साथ कर लेते हैं काम। क्यों? इस काम बना रहे जाए।